मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें करीब 8 गाड़ियां आपस में टकराकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, किसी गाड़ी का अगला तो किसी का पिछला हिस्सा चकनाचूर हो गया। काले रंग की एक कार तो एक दूसरी कार के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में एक ट्रक भी गाड़ियों से टकरा गया जिसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जाम हो गया। जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को तुरंत हटाने का काम शुरू किया, साथ ही जो घायल हो गए थे उनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि हादसा एक्सप्रेसवे खोपोली एग्जिट पॉइंट पर हुआ। और वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में केस दर्ज किया गया। वहां पर 22 अप्रैल यानी कि ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सैकड़ों की भीड़ सड़क पर नमाज पढ़ते और एक दूसरे से गले मिलते नजर आई। बताया गया कि ये वीडियो कानपुर में बेगमपुरवा ईदगाह के बाहर का है, जिसके बाद इस मामले में ईदगाह कमेटी के सदस्यों समेत 50 लोगों पर FIR दर्ज की गई। और राजस्थान के कोटा में ईद की नमाज के दौरान हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, क्योंकि वायरल वीडियो में नमाज के लिए जुटी भीड़ में कुछ लोग गोलियां चलाते दिखे। नमाज के दौरान ही भीड़ में अलग अलग जगह मौजूद कुछ लोगों ने हथियार निकाले और फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने भी कार्रवाई की। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए लोगों ने पुलिस उन हथियारों का पता लगाने में जुट गई जिनसे गोलियां चलाई गई थी। वही पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को करीब 15 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। वो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन जेल के नियमों में हुए बदलाव के बाद आनंद मोहन को हमेशा के लिए रिहाई मिल गई। बताया गया कि जेल के बाहर भीड़ जुटने की आशंका की वजह से ये रिहाई सुबह 3 बजे यानी अंधेरे में की गई। एक दिन पहले ही नियमों के मुताबिक सहरसा जेल जाकर उसने सरेंडर किया था। पेपर तैयार होने थे, सुबह 3 बजे के करीब आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया है। रिहाई की खबर के बाद आनंद मोहन के गाँव में उसके स्वागत की तैयारी की गयी। आनंद मोहन जी के समर्थक बहुत खुशी है, हमारे लिए तो आज का दिन दिवाली और होली के बराबर है। बताया गया कि गांव पहुंचकर वो लोगों को संबोधित कर सकता है। हालांकि आनंद मोहन को मिली राहत पर बिहार में हंगामा थमता हुआ नहीं दिख रहा है। रिहाई की खबर के बाद से ही वो विपक्ष के निशाने पर है और साथ ही डीएम जी कृष्णैया के परिवार वाले भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा केसेस को एनकरेज नहीं करना चाहिए। वही आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने अपने पति को निर्दोष बताया। 15 साल एक निर्दोष है, जिस तरह से जो भी था कोर्ट का आदेश। आनंद मोहन की रिहाई में बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ एक दिन पहले पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की साल 1994 में हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। और आबकारी घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी। यानी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा। जिस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। एक दिन पहले उनकी जमानत पर भी इसी अदालत में फैसला टल गया था। और शिमला में नगर निगम चुनाव का प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छात्रों के बीच पहुंचे और उनके साथ एक ढाबे पर राजमा चावल खाया, लेकिन ढाबे पर उनको इस तरह देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शिमला में नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान वो यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने पहले छात्रों से बातचीत की और फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने मौजूद एक ढाबे पर छात्रों के साथ राजमा चावल खाया। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने शिमला में रोड शो भी किया। शिमला में 2 मई को नगर निगम के चुनाव होंगे, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे।